पबजी मोबाइल लाइट में। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप अपने पबजी मोबाइल लाइट को ओपन करते हैं तो और उसके बाद ओपन करने के बाद आपका सर्वर इज बिजी या फेसबुक लॉगिन प्रॉब्लम आता है, यानी कि इस फेसबुक से जैसे ही लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका फेसबुक लॉगिन प्रॉब्लम आता है और आपका फेसबुक से लॉगिन ही नहीं होता है पबजी मोबाइल लाइट, और बार बार आपका फेसबुक से लॉगिन फेल हो जाता है, नेटवर्क एरर लॉगिन फेल हो जाता है। लेकिन आप अपने नेटवर्क को भी सही कर लिए होगे या आप वाईफाई पे भी ओपन कर रहे होगे पबजी मोबाइल लाइट को, तो आपका ओपन ही नहीं होता होगा और आपका बार बार फेसबुक लॉगिन प्रॉब्लम होता होगा और नेटवर्क इरर लॉगिन फेल्ड होता होगा। और आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख देख करके सर्च कर करके अपना टाइम और एमबी दोनों ही वेस्ट कर दिए होगे, लेकिन अभी तक आपका पबजी मोबाइल लाइट में फेसबुक लॉगिन प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला होगा। लेकिन गाइज आज के इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो और स्टेप बाय स्टेप देखते हो तो मैं आपको सबसे बढ़िया बात तो लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप आपके अपने एंड्रॉइड के फोन में ही मैं आपको सिखाने वाला हूं, और गेम को ओपन करके वीडियो में लास्ट में बताया हूं गेम को ओपन करके और आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया और कोई भी आपको इरर नहीं आएगा। और आपके सामने मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे मैं पबजी मोबाइल लाइट को विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी फेसबुक लॉगिन प्रॉब्लम या आपका सर्वर इज बिजी प्रॉब्लम अगर आता है फेसबुक लॉगिन प्रॉब्लम मतलब कि इरर सॉल्व करने के बाद, तो आपका वो भी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा और आप अपने खुद के नेटवर्क पर खेल सकते हो, जो कि मैं धांसू और एकदम झकास मैं बताया हूँ कि कैसे आप अपने नेटवर्क को भी सही कर सकते हो। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वाच करना होगा, और आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये वीडियो वर्क करता है तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना आप कमेंट सेक्शन में जो भी बोलना चाहते हो भरा बुरा बोल सकते हो, क्योंकि आपको अभी तक ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं मिला होगा जो कि आप बोला होगा कि अभी सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सब लोग बोल देते हैं कि चैनल पर विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करो, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, मैं आपको पहले काम दिखाऊंगा उसके बाद। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए चलते हम अपने मेन टॉपिक की तरफ और लाइव प्रूफ करके दिखाता हूं कि कैसे अगर आपका पबजी मोबाइल लाइट में फेसबुक लॉगिन प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे उसको आसानी से और इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो गाइस कुछ करना नहीं है, आपको मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ जाना है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद गाइस अब आपको करना क्या है, आपके अपने खुद के सेटिंग में ही, वो सेटिंग मैं बताने वाला हूँ आपके फोन के सेटिंग में ही, जिससे कि आपका नेटवर्क इरर और आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो आप आसानी से और इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा आपको सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ कहीं भी हो वहाँ से आपको ढूंढ करके आप उसके बाद जो भी आपके सिम पे नेटवर्क इरर का प्रॉब्लम आ रहा है उस सिम को सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं फर्स्ट वाले सिम को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप नीचे की तरफ देख सकते हो एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन गाइज मिल जाता है, तो गाइज आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइज जैसे ही आप एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा और इस प्रकार से एक इंटरफेस आता है। तो गाइज हो सकता है आपका रेडमी का फोन हो तो नीचे में प्लस का या ऐड का ऑप्शन हो, लेकिन मेरा रियलमी का फोन है, या अगर आपके पास कुछ और अलग भी फोन होंगे तो प्लस या थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो ऐड का ऑप्शन यानी न्यू एपीएन का ऑप्शन आएगा, तो गाइज आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, एपीएन को सेटिंग करेंगे। बहुत सारे बोलेंगे कि भाई मैं ये सेटिंग कर चुका हूं लेकिन वर्क ही नहीं कर रहा, तो गाइज वीडियोस को कंप्लीट वॉच करो, लाइव प्रूफ करके गेम को ओपन करके इसके बाद दिखाया हूं, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है तो ही आपको समझ में आएंगे कि कैसे अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूं इसके ट्रिक से कैसे सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले नेम वाले में लिखना क्या है, लिखना कुछ नहीं है, जो भी आपके सिम का नाम हो यानी कि जिस भी आप सिम को नेटवर्क को सही करना चाहते हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब बड़ा होना मतलब कि फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सब छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे एयरटेल उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद फोर और कैपिटल जी यानी कि बड़ा जी लिखना है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद गाइज अब आपको आना है एयरटेल के बाद, लिखने के बाद अगर हो सकता है अगर जियो का तो जियो, 4G आइडिया 4G, VI 4G आपका जियो हिसाब से है तो आपको सेट कर लेना। उसके बाद एपीएन में आपको लिखना क्या है, एपीएन में आपको गाइज लिखना है जो भी आपका सिम का नाम हो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर, जैसे मेरा एयरटेल का है तो उसका फर्स्ट लेटर हो गया और स्मॉल लेटर हो गया। उसके बाद डायरेक्ट आपको आ जाना है सर्वर पे। जी हाँ दोस्तों, और गाइज सर्वर पे आने के बाद क्या लिखना है, यहाँ पर www.pubgmobile उसके बाद LITE यहाँ पे लिखना है www.pubgmobilelite उसके बाद .in। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, तो ये आपको मेन सेटिंग करना है सर्वर, सर्वर में मतलब कि आप सही कर सकते हो जिससे कि आपका नेटवर्क चेंज हो जाएगा। तो गाइज आपको लिखना क्या है, www.pubgmobilelite.in उसके बाद सही पे क्लिक कर देना है। हो सकता है आपके फ़ोन में यहाँ पे नीचे की सेव का ऑप्शन हो या आपका ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, उसके बाद इन्फिनिक्स का अगर वगैरह का फ़ोन यूज करते हो तो थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद सेव का ऑप्शन होता है, बट इस रियलमी में आपको सही क्लिक कर देना है। और गाइज सही पर क्लिक करने के बाद गाइज
आपके सामने कुछ ऐसा और इस प्रकार से एक इंटरफेस आएगा। तो गाइज आपके फ़ोन में तो ऑलरेडी एक रहता ही है एपीएन, लेकिन हम लोग को जो नया मैं नेटवर्क सही करने के लिए बताया तो आपको न्यू सेटिंग पर क्लिक करके ब्लू वाले को यहाँ पे ला देना है। तो गाइज यहाँ से आपका नेटवर्क सही हो जाएगा। उसके बाद गाइज आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सबसे पहले तो आपको डाटा को ऑन करना है। डाटा को ऑन करने के बाद गाइज आपको प्ले स्टोर में जाना है। जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर में जाने के बाद अब आपको यहाँ से मैं बताने वाला हूँ, आपको जो वीपीएन मन करे वही वीपीएन आप यूज करो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पबजी मोबाइल लाइट को ओपन करने के लिए आपको कोई ना कोई वीपीएन तो चाहिए ही चाहिए, बिना वीपीएन के आप नहीं खेल सकते हो। तो गाइज आपको कोई भी वीपीएन यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 1.1.1.1 ही वीपीएन डाउनलोड करो, कोई भी वीपीएन डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये वीपीएन जो है बेस्ट वीपीएन है, इसीलिए मैं इसको आपको प्रोवाइड करने के लिए बोल रहा हूँ। तो गाइज आपको डाउनलोड करके यहाँ पे आपको कुछ परमिशन मांगेंगे अगर आप ये वीपीएन डाउनलोड करते हो तो। अगर आप दूसरा वीपीएन यूज करते हो तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको यहाँ पे साउथ कोरिया पे आपको सेलेक्ट करना ही करना है। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करना है, और डिसकनेक्ट है तो कनेक्टिंग लेगा और चेकिंग कनेक्शन लेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका इंटरनेट कनेक्ट हो गया आपके वीपीएन से। अब चलिए लाइव प्रूफ करके, गेम को ओपन करके आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। गाइज अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच किए होंगे और स्टेप बाई स्टेप देखे होंगे, तो अगर आपका फेसबुक लॉग इन प्रॉब्लम आता था पबजी मोबाइल लाइट में, फेसबुक से लॉग इन ही नहीं होता था। तो गाइज अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखे होंगे तो आपका आसानी से और इजी वे में प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। और गाइज यहाँ पे लाइव प्रूफ के दिखाने वाला हूं। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि आपका फेसबुक लॉगिन प्रॉब्लम आता था, फेसबुक से लॉगिन ही नहीं होता था। तो लेकिन गाइज यहां पे आप देख सकते हो आपके सामने लाइव प्रूफ करके दिखा दिया, जैसा कि आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, और आपका गेम आसानी से ओपन हो गया और विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी एरर। अब आप यहां से पबजी मोबाइल लाइट को आसानी से और इजी वे में खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पे आप देख सकते हो आपका गेम का लुक्स कुछ आपके सामने ऐसा और इस प्रकार से आ रहा है। तो गाइज अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, जो कि आईडी है रितेश मौर्या 360, या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे पहुंचा देगा। तो आई होप कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होंगे और स्टेप बाई स्टेप देखे होंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और आपका मतलब कि फेसबुक से लॉग इन हो गया।